नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकरेड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपने इंफ्रारेड रेडिएशन या फिर इंफ्रारेड लाइट के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि इंफ्रारेड लाइट हमें क्यों नहीं दिखती, या फिर इंफ्रारेड लाइट की अप्लीकेशंस क्या है, इंफ्रारेड लाइट हमारे लिए यूजफुल है या नुकसानकारक है? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो जानने के लिए बस देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों में एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने की। विलियम हर्शल ने सन 1800 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने अपने रिजल्ट्स को पब्लिश किया। इंफ्रारेड रेडिएशन, या फिर सिंपली इसे हम आईआर और इंफ्रारेड लाइट भी कहते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेडिएशन की विजिबल लाइट के तुलना में लॉन्गर वेवलेंथ होती है, मतलब कि इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर है और विजिबल लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। इसका मतलब है कि इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ ज़्यादा है विजिबल लाइट के मुकाबले, और यही एक कारण है कि इंफ्रारेड रेडिएशन इनविजिबल होती है। ह्यूमन आई सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट ही देख सकता है, यानी विजिबल लाइट। लाइट्स वेव के फॉर्म में अर्थ पर आती है। कुछ वेव्स लॉन्ग होती है और कुछ वेव शॉर्ट होती है, यानी छोटी होती है। ये सभी वेव साइज में डिफरेंट होती, मतलब हर एक वेव की साइज और लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। हम उन वेव्स में से कुछ वेव्स को देख सकते हैं कलर के फॉर्म में, लेकिन कुछ वेव्स ऐसी होती है जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते, पर उन वेव्स को हम स्पेशल कैमरा की मदद से देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट उन लाइट में से एक है जिसे हम स्पेशल कैमरा की हेल्प से देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितनी ठंडी है। ह्यूमन बॉडी वेव्स के फॉर्म में गर्मी छोड़ती है, मतलब हमारी बॉडी से जो गर्मी निकलती है वो वेव्स के फॉर्म में निकलती है। स्पेशल इंफ्रारेड कैमरा की मदद से हम उस गर्मी को देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट में गर्म चीज़ें ब्राइट येलो और ऑरेंज कलर की दिखाई देती हैं, और ठंडी चीज़ें जैसे कि आइस क्यूब्स पर्पल और ब्लू कलर की दिखती है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स जिसमें टेम्परेचर है वो इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है, यहाँ तक कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि ठंडे होते हैं जैसे कि आइस क्यूब्स, ये भी इंफ्रारेड लाइट को इमिट करता है। इंसान इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकता, लेकिन क्या आपको पता है कि पिट वाइपर फैमिली के स्नेक्स जैसे कि रैटल स्नेक को सेंसर पिट होते हैं जिसका यूज़ वो इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए करते हैं। हम जानते हैं कि कई चीज़ें इंफ्रारेड लाइट को इमिट करती है, लेकिन कई चीज़ें इंफ्रारेड लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती है। इंफ्रारेड लाइट का यूज़ नाइट विजन इक्विपमेंट में किया जाता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को दूर से पता लगाने के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग कम्युनिकेशंस के लिए भी किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी करते हैं। इंफ्रारेड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसका यूज़ मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज़ मीटियोरोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजिकल सिस्टम्स इन फील्ड में भी होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन से हम वेदर रिपोर्ट का भी पता लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी आंखों के लिए खतरनाक होता है, जिसके चलते हम अंधे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।